तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग क्या टर्मिनल में कमांड में द कमांड प्रॉम्प्ट, और एक्चुअली में रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है और क्यों इतना इम्पोर्टेंस है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और क्यों इसका ज़्यादा यूज़ होता है कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने में, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे और सबसे पहले ये जानेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन जानने के लिए हम लोगों को क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, और उससे डेवलप उसको सीखने के बाद हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सारी चीज़ हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो गाइस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि नैनो और फाइल का नेम हम लोग लिख देते हैं, फाइल का नेम लिख कर फाइल नेम हम लोग ओपन करना है ना, हम लोग इस तरह वो एक तरह का एडिटर ही है, जिस तरह से VI हो गया, VI भी एक तरह का एडिटर हो गया। तो नैनो को हम लोग ओपन कर लिए, ओपन करने के लिए एक एडिटर को, टेक्स्ट फाइल को, जिस तरह से नोटपैड है उस तरह से सेम चीज़ जो विंडोज़ में नोटपैड में यूज़ करते हैं सेम चीज़ ये लिनक्स में है, बस कि आपको ये इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि जिस तरह से लगता हो कि आप बहुत बड़े प्रोग्रामिंग कर रहे हो, बट गाइस लिटरली मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही ईजी है, अब एक बार सीख जाओगे तो बहुत ही इजी लगने लगेगा सारा चीज़। तो सबसे पहले हम लोग इसमें रेगेक्स में रेगेक्स है क्या और क्या क्या टर्म्स इसमें यूज़ करना पड़ेगा, किन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को, उसके बारे में जान लेते हैं। तो रेगेक्स एक्सप्रेशन इज़ आल्सो कॉल्ड एट रेगेक्स एंड रेगेक्स पी, ठीक है, जो कि मैंने ऊपर में लिख दिया है। अभी इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल्स इन लिनक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ अ पैटर्न ऑफ मैचिंग स्ट्रिंग एंड फॉलो सम पैटर्न, रेगेक्स यूज टू वैरायटी ऑफ प्रोग्राम एंड लाइक ग्रैप्स SAD VI एंड बैस रीनेम एंड मेनी मोर, तो इसका यूज़ किया जाता है। अभी रेगेक्स एक्सप्रेशन जो लिख रहे हैं अभी वो कैरेक्टर मैच कैरेक्टर क्या है रेगेक्स एक्सप्रेशन का मैच कैरेक्टर हम लोग वो देखते हैं। तो मेनी मोर है, सेवरल है, सम हम लोग कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो हमेशा यूज़ होता है वो देख लेते हैं। तो डॉट है रिप्लेस बाय एनी करेक्टर, डॉट रिप्लेसेस, और ये कैप मतलब इसको कैरेट बोलते हैं हम लोग, इसका यूज हम लोग मैच थोड़ा सा ऑफ मैं एडिट कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, इसको कैरेट बोलते हैं गाइस इन द स्ट्रिंग, ठीक है। डॉलर क्या है मैचेस इंड ऑफ स्ट्रिंग, तो मैं ये सेकेंड वाला का नेम आपको बाद में बता दूंगा कि मैं भूल रहा हूँ, और मैचेस जीरो एंड मोर टाइम्स द प्रिसीडिंग कैरेक्टर्स, स्लैश हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ करेक्टर के लिए, डबल ब्रैकेट हम लोग यूज़ करते हैं ब्रैकेट स्टार्ट से कटम लोग ग्रुप ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, क्वेश्चन मार्क हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं मैचेस एग्जैक्टली वन कैरेक्टर, प्लस ऑपरेटर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि मैचेस द वन एंड मोर टाइम्स टू प्रिसीडिंग कैरेक्टर, स्लैश मतलब कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड उसके अंदर में कैपिटल एन यूज़ करते हैं हम लोग प्रिसीडिंग कैरेक्टर मैचेस विद एग्जैक्टली एन टाइम्स, कर्ली स्टार्टेड कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है और फिर एन के बाद कोमा यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रिसीडिंग कैरेक्टर इज मैच एग्जैक्टली एन टाइम्स और मोर। तो ये क्वेश्चन मार्क तक हम लोग बता दिए गाइस, अभी नेक्स्ट चलते हैं, लेट मी चेक विथ तो गाइज मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक लेट मी गूगल इट, सो इसको क्या बोलते हैं, गाइज इसमें हम लोग देखेंगे। तो गाइज यहाँ तक हम लोग कंप्लीट था, कैप्स बोल सकते हो उसको, ठीक है, और कैप्स नहीं मतलब जब भी हम लोग पावर यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, द पावर
भी यूज़ करते हैं जब सिस्टम में, मतलब सिस्टम में कैलकुलेटिंग में, तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं. लेट्स गो नेक्स्ट, आई विल टेल यू दैट ऑल द थिंग्स. सो रिप्रेजेंट द रेंज, हाइफन रिप्रेजेंट करता है रेंज को. स्लैश भी क्या करता है, मैच एम्प्टी स्ट्रिंग एट द एज ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, और NM जो है कर्ली ब्रेसिस के अंदर में, उसको कैरेक्टर ऑफ मैच्ड एग्जैक्टली द N बट नॉट मोर देन वन N टाइम्स. अभी चलते हैं स्लैश बी. कैपिटल भी क्या करता है, एम्प्टी स्ट्रिंग इफ इट इज़ नॉट अ एज ऑफ वर्ड. ठीक है, और स्लैश लेस देन जो हम लोग है उसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं, मैच एम्प्टी स्ट्रिंग एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड. ठीक है, एंड तो गाइज अब हम लोग आ जाते हैं, इसको बैक कर लेते हैं. अब उसका जो मैंने बताया था कि वो कैपिटल, उसको कैरेट बोलते हैं जो स्लैश ये वाला है, तो उसको कैरेट बोलते हैं गाइज. और आई थिंक आपको क्लियर होगा यहाँ पर, और ये सब जानना बहुत ज़रूरी है आगे के रेगुलर एक्सप्रेशन के वीडियोस में. तो ये पार्ट वन था, मैं टोटल 5 वीडियोस में बनाऊंगा रेगेक्स पे, जिससे कि और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको ईजी हो जाए ये चीज़. तो गाइज थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं.